लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। शराब माफिया के विरुद्ध बेगूसराय पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार की देर रात भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नीमा चांदपुरा थाने की पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत 20 लाख से अधिक आंकी गई है। मौके पर से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेष लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने के में सफल रहे। नीमा चांदपुरा थाना में शुक्रवार को 6 वनद्वार गांव के समीप कारोबारी द्वारा विदेशी शराब अनलोड कर छुपाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कछुआही बहियार में छापेमारी कर दिया। इसमें जो है ना, कल रात पुलिस अधीक्षक महोदय के सूचना के आधार पर नीमा चांदपुरा थाना प्रभारी अपने टीम के साथ तेज कार्रवाई करते हुए मंदवार के पास भेज करके एक ट्रक दारू की बरामदगी की है। उसमें एक ट्रक, एक पिकअप, बोलेरो पिकअप, एक बाइक जब्त हुआ है और इसका युक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम रणवीर कुमार और ये मंदवार के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस छापेमारी के दौरान कुल 5106 बोतल बड़ा छोटा मिला के बरामद हुआ है, जिसका लीटर में 2898 लीटर आ रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ और संदिग्ध लोग जो हैं उनके बारे में कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है सर का? मेरा नाम मदन कुमार सिंह है। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय महोदय के सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष अपने टीम के साथ पता दिखाते हुए रेड किए बताती है। इसमें एक ट्रक दारू, उसका मात्रा अलग अलग है जो आपको बताएंगे, एक पिकअप वैन।